उमेर, उमेर। अरे क्या हो गया मंसूर, क्यों आप चिल्ला रहे हैं ऐसे? उमेर कहाँ है? वो तो सुबह आपके सामने ही गया था, लौटा तो नहीं अभी तक। सब खैरियत तो है? खैरियत? मैंने उसे समझाया था, मैंने कहा था ना तुम्हारे सामने के वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना, ये भी कहा था कि बहुत अहम मीटिंग है और तुमने पहुंचना है वक्त पे। सब कुछ समझाने के बावजूद भी तुम्हारा बेटा ऑफिस नहीं आया। अरे नहीं पहुंचा वो, अगर नहीं आना था तो मुझे फोन कर देता। फोन करना तो दूर की बात है, मैं बार बार उसे फोन कर रहा हूं, फोन अटेंड नहीं कर रहा वो मेरा। क्या इस तरह बिजनेस चलेगा? अरे डिबो देगा वो सब कुछ मेरा। आप तो इस तरह मत चिल्लाइए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा ना मैं। अल्लाह ना करे। अच्छा है मर जाऊं। आज ऑफिस में बहुत जिल्लत हुई है मेरी, अच्छा है मर जाऊं। अरे इतनी मुश्किल से मैंने शहजाद साहब से वक्त लिया था, लेकिन तुम्हारे बेटे को एहसास ही नहीं। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके इस तरह चिल्लाने से क्या वो सुधर जाएगा, या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिल जाएगा क्या? बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है नसरीन, मार्केट में मेरा नाम खराब हो रहा है, बात इज्जत की है, भरोसे की है, और शहजाद साहब मुझ पे भरोसा करते हैं। बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके मैंने अपना नाम अपना मकाम बनाया है, लेकिन लेकिन तुम्हारा बेटा, आज आज तो मैं उससे बात करके आया। हेलो। हेलो हाँ फातिमा। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ उमर, सब खैरियत तो है ना? अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे बात का नहीं पता। देखो प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, सुबह मुझे एक मीटिंग पे पहुंचना था। अच्छा रुको करती हूँ कुछ। ये उमेर भी ना